प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रो कर शुभारंभ किया। एमएसएमई की बढ़ती ताकत से राजस्थान पुगेला नई ऊंचाई माते। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भीलवाड़ा में आए, भगवान देवनारायण ने जन्मस्थली मालासेरी डुंगरी में आए, जनसभा ने किया संबोधित, कया भगवान देवनारायण समाज का कल्याण खातर आपनो जीवन किया समर्पित। मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा सीआईआई नेशनल काउंसिल ने किया संबोधित, कया राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान में औद्योगिक समृद्धि री आधारशिला। विधानसभा अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अजमेर में आए, मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत ट्रेन ने किया रवाना, 780 यात्री करेला तिरुपति बालाजी रा दर्शन। और प्रदेश में बढ़ो सर्दी रो असर, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी समाचार माए थाको घणो घणो स्वागत है। मैं था केसागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर सीतापुरा स्थित जेईसीसी माए 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रो शुभारंभ करिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफो पहनार स्वागत करिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता था का प्रधानमंत्री कया के दुनिया रो हर निवेशक भारत ने लेर उत्साहित है। लालरा 10 साल में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। प्रधानमंत्री कहा कि राज्य रा विकास सु देश रा विकास माथे मां को फोकस है। राजस्थान रो ऊर्जा सुरक्षा माए बड़ो योगदान है। राजस्थान निवेश खातिर बेहतरीन गंतव्य है। वना कहा कि राजस्थान माए पर्यटन बढ़ावा री असीम संभावना है। पीएलआई योजना सु निर्यात माए 4 लाख करोड़ रुपया री बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री कहा कि एमएसएमई री बढ़ती ताकत सु राजस्थान नई ऊंचाई माथे पुगेला। समिट माए पहली बार 8 देशारा अलग अलग सु सत्य कराया जा रहा है। समिट माए देश दुनियारा उद्योगपति और निवेशक हिस्सों ले रहा है। साथ ही 32 देशारा प्रतिनिधि और 17 देशा पार्टनर कंट्री शामिल हो रहा है। एमएसएमई के मामले में राजस्थान भारत के टॉप 5 राज्यों में से एक है। यहां इस समिट में एमएसएमई पर अलग से एक कॉन्क्लेव भी होने जा रहा है। राजस्थान के 27 लाख से ज्यादा छोटे और लघु उद्योगों में काम करने वाले 50 लाख से ज्यादा लोग राजस्थान के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान में नई सरकार बनते ही कुछ ही समय में नई एमएसएमई पॉलिसी लेकर आ गई। भारत सरकार भी अपनी नीतियों और निर्णयों से एमएसएमई को लगातार मजबूत कर रही है। भारत के एमएसएमई सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हमने एक क्रेडिट गारंटी लिंक स्कीम भी चलाई है। इसके तहत छोटे उद्योगों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। बीते दशक में एमएसएमई के लिए क्रेडिट फ्लो 2 गुना से अधिक बढ़ चुका है। साल 2014 में जहां ये करीब 10 लाख करोड़ रुपए होता था, आज ये 22 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। इसका राजस्थान भी बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। एमएसएमई की ये बढ़ती ताकत राजस्थान के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। साथियों, हम आत्मनिर्भर भारत के नए सफर पर चल चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत का अभियान, ये विजन ग्लोबल है और उसका इंपैक्ट भी ग्लोबल है।
सरकार के स्तर पर हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी हम हर सेक्टर हर फैक्टर को एक साथ बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सबका प्रयास की यही भावना विकसित राजस्थान बनाएगी, विकसित भारत बनाएगी। साथियों, यहां देश और दुनिया से अनेक डेलीगेट्स आए हैं। बहुत सारे साथियों की ये पहली भारत यात्रा होगी, हो सकता है राजस्थान की भी उनकी पहली यात्रा हो। आखिर मैं यही कहूंगा, स्वदेश लौटने से पहले आप राजस्थान को, भारत को जरूर एक्सप्लोर करें। राजस्थान के रंग बिरंगे बाजारों का शॉपिंग एक्सपीरियंस, यहां के लोगों की जिंदा दिली, ये सब कुछ आप कभी भी नहीं भूलेंगे। निवेशकों द्वारा राज्य के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास को स्वयं दर्शाते हैं। हमने निवेशकों की सुविधा के लिए विभिन्न देशों और प्रदेशों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है, ताकि निवेशकों को प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। इस समिट में 12 सेक्टर केंद्रित सेशन है एवं 8 कंट्री सेशन के साथ प्रवासी राजस्थानी एवं एमएसएमई पर भी विशेष सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें केंद्र एवं राज्य के माननीय मंत्रीगणों के साथ संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं निवेशक एक साथ बैठकर राज्य में और निवेश की संभावना पर चर्चा करेंगे। दुनिया भर के हमारे प्रवासी राजस्थान भाई बहन इस सम्मेलन के माध्यम से अपनी मातृभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए उत्साह के साथ जुड़े रहे हैं। मैं आज के अवसर पर उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस समिट के आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सुझावों के लिए पूरे राज्य की ओर से सादर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भीलवाड़ा आसिंद उपखंड में भगवान देव नारायण री जन्मस्थली मालासरी डोंगरी में महाभक्ति कार्यक्रम में शामिल हुआ। लोकसभा अध्यक्ष जनसभा ने संबोधित करता था का कहा कि भगवान देव नारायण समाज कल्याण खातर आपनो जीवन समर्पित करिया। उनकी कृपा से, उनके आराध्य से आप समाज के सभी लोगों को किस तरीके से संघर्ष और चुनौतियों से लड़ा जा सकता है, क्योंकि भगवान देवनारायण जी संघर्ष और चुनौतियों से लड़ते हुए समाज के कल्याण के लिए उन्होंने जीवन समर्पित किया। भगवान देवनारायण की कृपा सब पर बनी रहे, सबका कल्याण और सबकी समृद्धि हो। उन्हें खेत कल्याण, किसान, पशुपालक सबके जीवन के अंदर, समाज के हर तबके के जीवन के अंदर उनके द्वारा जो मार्गदर्शन मिला, आज भी वो सत्य पर चलकर सात्विक रूप से, धार्मिक रूप से धर्म और सत्य के मार्ग पर निकलकर लोगों का कल्याण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भारतीय उद्योग परिसंघ री नेशनल काउंसिल ने संबोधित करता था का कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल नेशनल समिट राजस्थान री औद्योगिक समृद्धि री आधारशिला है। राजस्थान में मिनरल्स, प्राकृतिक गैस, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, ऑटोमोबाइल समेत विभिन्न क्षेत्र में निवेश री अपार संभावना है। वणा कहा कि समिट रा आयोजन में CII महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, साथ ही निवेशक और राज्य सरकार रे बीच एक मजबूत सेतु रो काम कर रहा है। पूरे देश के उद्योग जगत के सितारों के साथ मुलाकात और भी अच्छे परिणाम लाएगी, ऐसी मेरी आशा ही नहीं बल्कि मुझे विश्वास भी है। आपके सहयोग और समर्थन से हम निवेशकों के लिए एक समृद्ध और परिपक्व मंच तैयार कर पाए हैं। हमने सरकार के कार्यकाल के प्रथम वर्ष में भी
इस समिट का आयोजन इसलिए किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए हम सभी आवश्यक कदम ठीक ढंग से उठा सकें। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देवनानी आर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी अजमेर रेलवे स्टेशन माथे राज्य सरकार री मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना रे तहत तिरुपति बालाजी री ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। इन ट्रेन माय 780 यात्री तिरुपति बालाजी री यात्रा खातिर रवाना होया। इन माय अजमेर संभाग रा 293 यात्री शामिल है। इन मौके विधानसभा अध्यक्ष कया के बुजुर्गा ने तीर्थयात्रा करानो एक पुनित काम है। हनुमानगढ़ रा कैचिया सू नावा गांव ताई नेशनल हाईवे रो काम शुरू हो गयो है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रा अधिकारी रे मुजब करीब 224 करोड़ रुपया सू अधिक री लागत सू हाईवे रो निर्माण करयो जावेलो। हनुमानगढ़ जंक्शन माए नावा फाटक ग्रेफ चौराहा और जोड़किया फाटक माथे ओवरब्रिज बनेगा। वठे इन हाईवे रा निर्माण सू हनुमानगढ़ समेत पंजाब हरियाणा सू श्रीगंगानगर और सूरतगढ़ रे बीच आसान कनेक्टिविटी वेली जिनसु आवागमन माय सुविधा वेली उनके द्वारा बना दिया गया है। और चूंकि कार्य लेट नहीं हो ये भी पब्लिक की सुविधा का ही पार्ट है, इसको ध्यान में रखते हुए कार्य भी चल रहा है और साइड लेन चालू करके आवागमन गमन भी सुचारू बना दिया गया है। मौके पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रदेश में रात्रा पारा में गिरावट के साथ ही सर्दी अपनो जोर दिखानो शुरू कर दियो है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करे गयो। अधिकतम शहर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सू नीचे रिकॉर्ड करे गयो। इनके अलावा भीलवाड़ा में 5, डबोक में 5.2, अंताबारा में 6.3, करौली में 6.4, जालोर में 6.7, चूरू में 7.3 और जैसलमेर में 8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करे गयो। वही राजधानी जयपुर की बात करा तो अठे न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करे गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुजब आगामी दिनों में प्रदेश में शीत लहर रो दौर शुरू हो बारी संभावना है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल नेशन समिट रो करया शुभारंभ। कया एमएसएमई री बढ़ती ताकत सु राजस्थान पुगेला नई ऊंचाई माथे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भीलवाड़ा माए भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासरी डूंगरी माए जनसभा ने करिया संबोधित। कया भगवान देवनारायण समाज का कल्याण खातर आपनो जीवन करिया समर्पित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीआईआई नेशनल काउंसिल ने करिया संबोधित। कया राइजिंग राजस्थान ग्लोबल नेशनल समिट राजस्थान ने औद्योगिक समृद्धि री आधारशिला। विधानसभा अध्यक्ष आर केंद्र कृषि राज्य मंत्री अजमेर माए मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत ट्रेन ने करया रवाना। 780 यात्री करेला तिरुपति बालाजी रा दर्शन। और प्रदेश में बढ़ो सर्दी रो असर। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। और प्रसार भारती कहानी ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का माए नूवी शुरुआत करता था का वेव से शुरुआत करेगी है। यो डिजिटल मीडिया आर ओटीटी रा दर्शका ने पूरो इन्फोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदो उठाता था का के भी मुफ्त माए शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर आर प्ले स्टोर सू QR कोड रे जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। आर देश प्रदेश री अधिक खबर माए थे माने फॉलो और सब्सक्राइब कर सको हो फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब सागे। राजस्थान समाचार माए अबार के लिए अतर हुई थे। देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।